एवं अखंड भारत की मेरी मातृशक्ति परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन की अनुकंपा से वीर छंदाला में कीचक वध जो महाभारत की एक पावन कड़ी है, इस दास्तान को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। आ जाइए दोस्तों। पांडव गण जब कर चुके 12 वर्ष बीती कांडल वन में एकदम हुए शकलु भयभीत। जब पंडवा जुआ की शर्त के आधार पर 12 वर्ष का वनवास भोग चुके हैं और एक वर्ष जब अज्ञातवास का सामने आ गया, और ये दुर्योधन की शर्त थी कि अगर उस अज्ञातवास में पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दोस्तों, वो ही अज्ञातवास का समय जब आ गया तो पंडवा सोच रहे हैं, अरे 12 वर्ष बीत गई वन में तेरे लगी अनुपया और छिप के पर सभ्यता में कहां पे चिंता गई थी पंडवन छाई। अरे मन मन सोची और शकुजा भी चिंता धधक रही थी उर माई और जो कहूं भू पशुए धन जाने तो फिर दे बन बाश पठवाई। पंडित व्रत अवस्था पांडव भक्त हमेशा जाई पांडव सोच रहे हैं कि मत्स्य देश के राजा जो विराट हैं हमारे शुभ चिंतक भी हैं, काश हम उनके यहां छुप कर ये अज्ञातवास का समय व्यतीत करें तो बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, अरे छिपके रहे राज में उनके पता लगे ना क्या हुआ जाए और कारी आपने तय कर दीजे मत्स्य देश लई सीध लगाई। अरे नदिया जंगल तय कर झाड़ी राज विराट गो नदियाई और राजधानी के समीप पहुंचे अपने लीले मत बनाई। दोस्तों, जब पंडवा विराट नगर के निकट पहुंचे हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अरे संग में शस्त्र कूले चली हो तो हम छिपे छिपा और गांडीव धनु से गदा भीम को जो देवे की जांच करवाई। और 12 वर्ष दुखी मन भोगे जासू शस्त्र संग न जाई और पंडव विचार कर रहे मन में गए शमशान भूमि में सभी हथियार एक वृक्ष के ऊपर टांग दिए और भीमसेन ने देखा वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ था। वो
वृक्ष के ऊपर टांग दिया तात, कोई भी पुरुष इस वृक्ष के ऊपर चढ़ न जाए। अरे पुरदा बांध पैर छूती नो जा सो कोई चढ़न न पाई थे। और भूप युधिष्ठिर गए सभा में सबरी सभा गई सन्नाई। अरे तेज लखो जब धर्म राज को सबरी सका चकित हो जाए। और मीठी बचने सभा में पहुंचे हैं और महाराज विराट से बोले, अरे मित्र हमारे धर्मराज है कंक नाम मेरो रहो सहाय। और पंडव शबरे बन पूछ अगले
देवता ललाए थे, आज वही चौकसी की हालत क्या है। Let's go.
स्थान विराट नगर में मिल गया। अब चौथा नंबर है दोस्तों नकुल और सहदेव का, जिनके रूप को देखने के लिए देवता लोग ललायक थे, जो अश्विनी कुमार थे। आए नकुल सहदेव दोनों भूप के दरबार में, विनती करी अति विकल हो बैराट की सरकार में। घूमते हम दर बदर राजन फिर बाजार में, गैया चरा में आपकी लीजे लगा रोजगार में। दोस्तों नकुल सहदेव ने आकर कहा कि हम पांडवों के गाय चराने वाले ग्वाला हैं, पांडवा वनवासी हो गए, और कुछ समय के लिए महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके ग्वाला बनकर के रहें। दोस्तों नकुल सहदेव ग्वाले बनकर के विराट के नौकर बन गए। अब नंबर है उस गांडीवधारी अर्जुन का, जिसके गांडीव की टंकार से गर्भिणियों के गर्भ गिर जाते थे। दोस्तों देखिए वक्त का फेर। अरे तिरिया रूप धरे अब अर्जुन पहुंचे राजसभा में जाए, और घर और विपदा भर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर
शेर बबर पुत्र भी भैया।
भाग्य कुशल है, माँ का चित्त को प्रसन्न है कि जब दोस्तों हाथ भी धोता जाता है, कुशल भी बताता जाता है। और कहने लगा, क्यों री कुशल ही पूछती रहेगी, भोजन वोजन कराएगी या नहीं। हाय हाय दोस्तों, गजब हो गया। चकोर बन करके उस गोरी के चेहरे पर टिक गई। बहन सुदेशना बोली, भैया भैया भैया। ले कीचक कहने लगा, क्यों चीख रही है। पूछ लिए, भैया तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे। कीचक कहने लगा, भोजन तो हो गया है, क्या भोजन में कोई कमी है। जवाब दिया, भोजन में कमी नहीं, कमी तो तेरे आंगन में है। हैं, आंगन क्या अटेला है। कहने लगा, आंगन टेढ़ा नहीं, आंगन में चलने वाली की नजर टेढ़ी है। मैं कुछ समझी नहीं, तो कीचक बोला कि तेरा भैया तुझे समझा भी सकता है। अरे कौन सी नारे महल में डोले जा, मेरे दिल में गई समाई, और दिल आवे सोखी मत ले ले है जा, द्रुपद सुता की भी पता की घर।
मशोश कर लौट गया। सारी बैराट नगरी में ऐसे घूमने लगा दोस्तों जैसे कुआर में कुत्ता मुफार के गली गली में घूमता है। वो ही हालत कीचक की हो गई। और उधर राजमहल में क्या हुआ, भूमि अजमाई
प्रतीक्षा मंदिर में करो। कीचक कहने लगा, गौरी सोच लो, अगर तुम नहीं आई तो कल जिंदा नहीं बचोगी। द्रौपदी ने कहा, वादा पूरा होगा, वादा पूरा होगा, वादा पूरा होगा। उल्लू नहीं समझ पाए वादा पूरा होगा, वो आया कोई आया लेकिन वादा तो पूरा होगा। दोस्तों कीचक लौट गया, सोचने लगा कि कब रात आए, कब गौरी मिले। वो तो ये सोच रहा है कि भगवान आज दिन ही में सूर्य मुद जाए और रात के 9 कब बजे। और दोस्तों रात भी नहीं हो पाई, दिन के 4 बजे जाकर कीचक व मठिया में रह पड़ो, लोग सब मच्छर खाए जाए। और ये द्रौपदी रोती हुई धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास में पहुंची, सारा हाल बयान किया कि महाराज विराट के साले कीचक ने कुआ पर मेरी बेइज्जती की है और मैं रात 9 बजे का वादा करके आई हूं, नाथ मेरी रक्षा करो। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अरे दिल अपने धर धीर सबर करके मन को डांटो, विपदा के थोड़े दिवस दुबक के महलन में काटो, खबर दुर्योधन सुन पावे ले हमको पहचान दंड बन फिर से भिजवावे, फिर दुख बन में पाप
गोरी, वादा तो उसका पूरा जरूर होगा, लेकिन अब तू हमें मर्द से जाना ना बना। आ गई क्या मां?